मैं डॉक्टर रेणु बाला शर्मा। आज हम मेज़ डिज़ीज़ की वायरल डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे या मक्खी की वायरल डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है मेज़ स्ट्रीक डिज़ीज़। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। भारत तथा अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मक्के की उत्पादन क्षमता को मेज़ स्ट्रीक वायरस तथा दूसरे रोगों द्वारा काफ़ी नुकसान होता है। भारत और हिंद महासागर के कई द्वीपों में मेज़ स्ट्रीक वायरस दूसरे अनाज जैसे गेहूं, बार्ले, ओट, राई, चावल और कई जंगली घासों पर भी यह रोग उत्पन्न करती है। छोटे किसानों की मक्के की खेती इस रोग द्वारा ज़्यादा ग्रसित होती है, क्योंकि किसान रेसिस्टेंट वेराइटीज़ को उपयोग में ना लाकर ससेप्टिबल प्लांट्स की ही खेती का उपयोग करते हैं। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे। मेज स्ट्रीक डिजीज़ जीनस है इसकी जेमिनी वायरस, मेज स्ट्रीक वायरस या MSV। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। इसका फाइलम है ट्रेसडना विनिकोटा। क्लास है रिपन विरी सिटीज। ऑर्डर है जी प्लेफरवे वायरल्स और फैमिली है मास्टर वायरस। स्पीशीज मेज स्ट्रीक वायरस। यह जेमिनी वायरस ग्रुप का वायरस है। यह प्रथम जर्मिनेट पार्टिकल वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA जीनोम पाया जाता है, परंतु बाद में MSV को प्लांट वायरस के रूप में दिखाया गया जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA और उसका नाम पेयर्ड वायरस या जेमिनी वायरस प्रस्तावित हैरिसन और उसके कोवर्कर्स ने 1977 में किया। वायरस में प्रोटीन्स का सब यूनिट मॉलिक्यूलर वेट 28,000 डाल्टन और सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA का मॉलिक्यूलर वेट 0.71 × 10³ डाल्टन है। अब इसका ट्रांसमिशन देखेंगे। यह वायरस कई किस्म के लीफ हॉपर कीट द्वारा तथा साइकोड्यूलेना कीट के द्वारा अलग अलग जगहों में फैलाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसका साइकोड्यूलेना मबीला कीट है जिसकी जियोग्राफिकल रेंज तथा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी ज़्यादा है। यह वायरस ना ही सीड बॉर्न है और ना ही मैकेनिकली इंजरी से फैलता है। इसके बाद इसके सिम्टम्स देखेंगे। प्राथमिक सिम्टम लीफ का डीकलराइजेशन होना, प्रथम संक्रमण यंग लीफ पर सर्कुलर कलरलेस स्पॉट्स जिनका डायमीटर 0.5 mm से 2.0 mm तक दिखाई देता है। धीरे धीरे यह लीफ स्पॉट लीफ पर लगातार फैलता जाता है। अंततः यह पूरी लीफ पर फैल जाता है और लीफ को संक्रमित करता है। बाद में यह स्पॉट्स स्ट्रीक में बदल जाते हैं और यह स्ट्रीक हल्के रंग की दिखाई देती है। क्लोरेटिक एरिया इलॉन्गेटेड और नैरो दिखाई देता है। बाद में क्लोरेटिक एरिया ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है। संक्रमित पौधा छोटा साइज में छोटा हो जाता है। अब इसका डिजीज डेवलपमेंट देखेंगे। जेमिनी वायरस लीफ हॉपर के द्वारा खेतों में पौधों के साथ अंत तक रहता है जिससे पूरी फसल संक्रमित हो जाती है। यह वायरस फसल काटने के बाद दूसरे जंगली पौधों में भी उपस्थित रहता है, अर्थात उन्हें भी संक्रमित करता है। अब इसके कंट्रोल मेजर देखेंगे। मेज को कल्चर प्रैक्टिस जैसे कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स और ब्रीडिंग रेसिस्टेंट वेराइटीज़ के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन, फील्ड हाइजीन, अर्ली प्लांटिंग, कल्टीवर चॉइस के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका रोटेशन ब्रॉड लीव वाले प्लांट के साथ किया जा सकता है क्योंकि MSV ब्रॉड लीव प्लांट पर अटैक नहीं करता। इसके अलावा इसमें इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करके इंसेक्ट्स को मार के इस वायरस को भी ख़त्म किया जा सकता है। जैसे इसमें आता है LD क्रैब, कार्बोफेरान, कार्बोसल्फियान,
का उपयोग करके इन कीटों को मारने से भी इस डिज़ीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है।